अधिमान्य पत्रकार पर बगैर जांच किए मुकदमा लिखे जाने के खिलाफ आज नौगांव के पत्रकारों ने एसडीएम विनय द्विवेदी को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश साहू ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा जाना देश के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। बता दें कि खरगापुर थाने में राजनीतिक दबाव में पत्रकार के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा विधायक राहुल लोधी पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगा है। कहने पर पत्रकार पर झूठा मुकदमा लिखाया गया है। नौगांव अनुभाग के अंतर्गत हमारे सभी पत्रकार बंधु के द्वारा सामूहिक रूप से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें लेख है कि नीरज सोनी ये खरगापुर थाना के अंतर्गत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके विरोध में इन्होंने दिया है कि इनकी न्याय किया जाए। खबर होशंगाबाद से है, जहां हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग मामले में तीन निलंबित पुलिसकर्मी आरक्षक मनोज वर्मा, प्रधान महिला आरक्षक ज्योति मांझी और आरक्षक तारा चंद जाटव को एसपी संतोष सिंह गौर ने आज बर्खास्त कर दिया है। निलंबित एसआई जैन नलवाया की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी एसआई जैन नलवाया पर कार्रवाई डीआईजी करेंगे। इधर पुलिस वालों के सात लोगों को ब्लैकमेल करने वाली आरोपी महिला सुमिता ठाकुर को पहले ही एक अन्य मामले में जेल भेजा जा चुका है। आरोपी महिला सुनीता ठाकुर कई संगीन मामले में लिप्त है। आरोपी महिला ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने महिला आरोपी सुनीता ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिया था और उसके आवेदन पत्र के अनुसार कुछ लोग पुलिस कर्मचारी और मिल करके उसका ये कहना था कि ये मेरे नाम से आवेदन पत्र लेते हैं और लोगों को फंसा करके उनसे पैसे ऐंठने या ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। वो जब आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तो उसकी जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेशित की गई। उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध शाखा को जाँच दी गई। जाँच में आवेदिका से विस्तृत पूछताछ की गई। इसके अतिरिक्त जिन जिन लोगों के उसमें नाम आए थे उनमें से जितने उपलब्ध हो सकते थे या जो स्वेच्छा से जो कथन देना चाहते थे उन सभी के कथन अंकित किए गए। अन्य दस्तावेजी जो साक्ष्य थे वो एकत्रित की गई और जिन लोगों के खिलाफ आवेदन दिए गए थे उनको भी सुनवाई का अवसर देते हुए उनके भी कथन अंकित किए गए। एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को 3 दिन पूर्व सौंपी गई। उसके पश्चात नोटिस जारी कर सभी से जवाब मांगा गया, उनको भी सुनवाई का पुनः अवसर दिया गया और उनके उत्तर प्राप्त होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा विचारण करने के पश्चात विचारोपरांत आज तीन जो पुलिसकर्मी हैं, प्रधान आरक्षक ज्योति मांझी, प्रधान आरक्षक तारा चंद जाटव और आरक्षक मनोज वर्मा, तीनों को सेवा के अयोग्य पाया गया है। भारत की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो, जुबान कैसरी।